कि सभी लड़का उसमें सब पासे कर जाए। इसका मतलब है कि सेंटर मैनेज्ड था, तो मैनेज का मतलब है कि पैसा देकर के लोग मैनेज किए हैं। तो गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है वो सब मैनेज नहीं हुआ होगा, वो असफल हो जाएगा। हाँ हमने भी सुना है ऐसा और देखा भी है टीवी पर। अब इसके संबंध में हम बहुत कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो आदमी जिस संस्कार में पलता है तो उसी रूप में काम करता है, और जिस पद्धति से वो काम लेता है उसी पद्धति में विश्वास करता है। तो वहाँ तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी आज जो कार्यकलाप हम लोग देख रहे हैं वो लगभग उनके बातों से मिलती जुलती है। तो वैसी परिस्थिति में वो व्यक्तिगत थोड़े कुछ कह रहे हैं, वो तो पार्टी का ही एक तरह से सिद्धांत है और उसी के आधार पर लोग चलना चाहते हैं, जिसका जनता फैसला करेगी 2025 में या 2024 में भी। इसलिए वो कहते हैं, वो कोई अच्छी बात नहीं बोलते हैं, ये बोले हैं ऐसा मैं मानता हूँ। राजनीति में स्वच्छता और शुचिता का जगह होता है, न कि अनर्गल बात का और अश्लील बात का। देखिए ये आस्था का विषय है, मानिए तो पत्थर और न तो भगवान, यही मान्यता है। लोग मिट्टी को भी भगवान मान करके लोग पूजा करते हैं, और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो आस्था का देश है, यहाँ आस्था से ही बहुत सा काम चलता है। तो हम न माने अलग बात है, आप न मानिए अलग बात है, लेकिन कोई मानते हैं उसके आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर ऐसा वो बोलते हैं सार्वजनिक रूप में तो उनकी गलती है, वो कहें कि हम नहीं मानते हैं, लेकिन दुनिया मान रही है वैसे चीज को उनको वर्जन करना चाहिए अपने वक्तव्य। कि सभी लड़का उसमें सब पासे कर जाए, इसका मतलब है कि सेंटर मैनेज्ड था, और मैनेज का मतलब है कि पैसा देकर के लोग मैनेज किए हैं। तो गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है वो सब मैनेज नहीं हुआ होगा, वो असफल हो जाएगा। तो इस तरह की धांधलियाँ हुई है, इसलिए पूरा प्रमाण पत्र के साथ हम बोले हैं, और जो कह रहे हैं कि प्रमाण की बात है तो हमारे हाथ में दस्तावेज है, ये दस्तावेज हम पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज रहे हैं, वो उससे प्राप्त कर लें और संतुष्ट हो। 2 तारीख को होगा, आप लोगों की सीटों का मतदान। देखिए हम लोग सीट के पीछे नहीं पड़े हुए हैं, जो प्रक्रिया है एनडीए का, एनडीए अपना चुनाव में लगे हुए हैं, कहीं कहीं सब साथी लोग लगे हुए हैं, सबको मौका दिया जा रहा है काम करने का, और चुनाव के बाद हर जिला में हर प्रांत में जहां लोकसभा का चुनाव तो सभी प्रांत में होना ही है, वहां एनडीए के टीम लोग आएंगे, शीर्षस्थ नेतागण में से प्रमुख लोग आएंगे और तय करेंगे। अब इस बीच में कुछ एजेंसी से ऐसा आकलन किया जा रहा है कि कौन ऐसा कंस्टिट्यूएंसी में जहां कौन जीत सकता है, ये सब की स्थिति को समझते हुए फिर निर्णय लिया जाएगा, अभी कोई निर्णय नहीं। आरजेडी के विधायक, नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा, ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरिमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। पकड़े हैं पैनोरिमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। तो ई होम्स पैनोरिमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।